हेलो एवरीवन, अभी आज हम लोग हाइड्रोलिक्स का एक और टॉपिक को देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था उसको मैं फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं। अगर डाउट है तो आप लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। उसमें हमने क्या बताया था, लॉसेस के बारे में पढ़ाया था, और लॉसेस के बाद हमने एक इक्वेशन को सॉल्व किया था। कौन सा इक्वेशन था? डार्सी विस्बैच इक्वेशन, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसी का इस्तेमाल करके हम लोग फर्दर पढ़ने जा रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है हाइड्रोलिक्स में, वो देख लीजिएगा, वो हेडिंग कौन सा चैप्टर के अंदर है, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स पार्ट टू। तो फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका था। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हो, जो टॉपिक है क्या है, टॉपिक वन क्या है, पाइप्स इन सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट पाइप ड्यूपिट इक्वेशन। तो हम यहाँ पे सिंपल दो इक्वेशन को पढ़ेंगे, पाइप्स इन सीरीज एंड पाइप्स इन पैरेलल कनेक्शन जो होता है। तो उसमें कैसे कैसे फ्लो होता है, कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है, क्या क्या फॉर्मूला लगता है, कैसे लगता है, उसको हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे। तो हम सबसे पहले पाइप्स इन सीरीज में जाएंगे। तो ऑलरेडी आपको पता है कि पाइप्स इन सीरीज में क्या होता है, ऑलरेडी आपने बेसिक पढ़ा होगा। सीरीज को क्या बोलते हैं, सीरीज क्या होता है, एक के साथ लगातार, लगातार मीन्स ए के साथ बी, बी के साथ सी, एक तीनों क्या रहता है, अटैच रहता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, पाइप्स इन सीरीज। यही क्या होता है, हम जब प्लम्बिंग करते हैं, हमारे घर में जब प्लम्बिंग होता है तो वो क्या होता है कि वो सीरीज में अटैच रहता है कई बार, तो उसको हम लोग पाइप्स इन सीरीज बोलते हैं। उसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, इफ पाइपलाइन इज जॉइंड टू वन और मोर पाइपलाइन इन कंटिन्यूस, दिस आर सेड टू कंस्टिट्यूट पाइप्स इन सीरीज। तो हमारा है, उसको क्या बोलते हैं, हम पाइप्स इन सीरीज में बोलते हैं। इसका डायग्राम आपको देखने के लिए मैं एक बार फिर से मैं डायग्राम दिखाना चाहता हूं, देख लीजिएगा डायग्राम कैसे है। मैंने डायग्राम रफ में बनाने का कोशिश किया था। ये डायग्राम है, आप देखिएगा पाइप्स इन सीरीज में। जैसे कि हमारा ये पाइप ए है, पाइप ए, पाइप बी एंड पाइप सी, जो एक दूसरे के साथ अटैच है। तो हमने यहाँ जानने का कोशिश करना है कि यहाँ पे कौन कौन सा लॉसेस लग रहा है। ऑलरेडी हमने लॉसेस के बारे में पढ़ चुका है। लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक लॉसेस क्या होता है, मेजर लॉस, दूसरा होता है माइनर लॉस। तो ऑलरेडी हम पढ़ते हैं मेजर लॉस किसके वजह से होता है, मेजर लॉस इज ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस के वजह से होता है। तो ऑलरेडी हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले अगर यहाँ पे एक टैंक अटैच्ड है इनलेट के पास, ये क्या है आपका आउटलेट है, तो कैसे होगा, कौन कौन सा लॉस लगेगा देख लीजिएगा। और हमने कैसे पाइप्स इन सीरीज में सॉल्व करेंगे उसको हम लोग अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि हमारा पाइप ए है, तो इसमें क्या होगा, हमारा इसमें जो ए, जो पाइप ए है उसमें हमारा क्या रहेगा, डिस्चार्ज होगा, वेलोसिटी लगेगा, इसका फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस लगेगा, सिमिलरली बी में भी लगेगा, सी में भी लगेगा। तो उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा लॉसेस लगता है, मैं आपको यहाँ विस्तार रूप से बताऊंगा। सबसे पहले क्या होगा, अगर यहाँ पे एक टैंक बना हुआ है तो क्या होगा, एट एंट्री, एट एंट्रेंस के वजह से जो वो क्या हो, कौन सा लॉस होता है, माइनर लॉस होता है। फिर क्या होता है, सडन एक्सपेंस हो रहा, एक्सपेंड हो जा रहा है, देख सकते हैं कि एक पाइप ए, पाइप बी, पाइप क्या हो जाता है, उससे ज्यादा मोटा है, तो उसको बोलते हैं हम सडन एक्सपेंशन। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक माइनर लॉस लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा पाइप से छोटे पाइप में जाने लगा, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन। और सिमिलरली यहाँ से क्या होता है, और यहाँ से एग्जिट होता है, और ये क्या है, एक पाइप फिटिंग है। तो ये हम यहाँ क्या देखेंगे, पाइप इन सीरीज में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, माइनर लॉस को नेग्लेक्ट करते हैं। जब नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग सिर्फ किसका निकालेंगे, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को निकालेंगे, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी में। तो हमने ये देखा था, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बताया है कि क्या क्या होता है। आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे टैंक है, इनलेट यहाँ से होता है, आउटलेट यहाँ से होता है। तो हमारा क्या है, पाइप ए में क्या लग रहा है, क्यू आपका क्या है, डिस्चार्ज है, वी आपका क्या है, वेलोसिटी इन पाइप ए, और डी क्या है, डी ए क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप ए, एफ क्या है आपका, फ्रिक्शनल है जो पाइप के वेटेड एरिया के अंदर लगता है। सिमिलरली बी में भी है और सी में, और इसको एल ए से क्या हुआ, इसका क्या हो गया, पाइप ए का क्या हो गया, लेंथ हो गया, पाइप बी का लेंथ एल बी हो गया, और पाइप सी का एल सी हो गया। अब इसमें हम देखते हैं डिस्चार्ज क्या रहता है, तीनों पाइप में सेम रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q2 is equal to Q3। और हम जानते हैं बाय फ्लूड इनकम्प्रेसिबल होने के वजह से बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q is equal to A1V1 is equal to A2V2 is equal to A3V3 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम जानते हैं कि माइनर लॉस में हम क्या, माइनर लॉस को क्या किए हैं, नेग्लेजिबल किए, नेग्लेजिबल का मतलब होता है नेग्लेक्ट किए हैं। देन हम क्या करें, टोटल लॉस ऑफ हेड क्या होगा,
जो हमारा ये तीन पाइप में लगेगा क्या होगा, एच एफ इज इक्वल टू एच एफ वन प्लस एच एफ टू प्लस एच एफ थ्री, ये तीनों पाइप में जो फ्रिक्शन लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। तब हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था डार्सी विस्बैच इक्वेशन, तो उससे हमको क्या निकल जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। तो एच एफ क्या हो गया हमारा, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाता है तीनों पाइप में। तो देख सकते हैं आपने फॉर्मूला पढ़ा था एच एफ क्या क्या होता है, एफ वन एल वन वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी डी, हम किसके बारे में पढ़े थे, डार्सी विस्बैच इक्वेशन पढ़े थे। तो सिमिलरली किस में लग रहा है, पहला वाला में लग रहा है, तो पहले F1 के रूप में इस्तेमाल किए हैं, सिमिलरली 2 इस्तेमाल किए हैं, 3 इस्तेमाल किए हैं, ये हमारा क्या हुआ, डार्सी विस्बैच इक्वेशन है। अब हम लेते हैं क्या होता है, तीनों में फ्रिक्शन अगर सेम है, अगर F मानते हैं तीनों इक्वेशन को, तो हमारा इसमें चेंजेस भी आएंगे। अब हम जानने का कोशिश करते हैं, आप जानते हैं कि हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो डिस्चार्ज अपॉन एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होता है क्या होता है, पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर। तो हम लोग ये फॉर्मूला बनाएंगे, 4 क्यू अपॉन पाई डी वन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन पाइप वन हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, वी टू वी थ्री निकाल लेंगे तीनों पाइप में। जब हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, इक्वेशन मॉडिफाई करने के बाद अब देखिएगा क्या हो रहा है मॉडिफिकेशन के बाद हमारा, और इसमें हम लोग मॉडिफाई करके हम लोग सब्सटीट्यूट करें किस में, डार्सी विस्बैच इक्वेशन में पाइप ए में, पाइप बी में, पाइप सी में। तो हम देख रहे हैं पाइप ए में क्या हो रहा है, एफ एल वन, F को हम लोग क्या रहे, तीनों में फ्रिक्शन रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से हम लोग F कंसीडर कर रहे हैं। तो एक क्या हो रहा है एफ एल वन, यहाँ पे हमारा V1 था, तो V1 का जो वैल्यू आया था डिस्चार्ज वेलोसिटी का, तो क्या होता है 4Q अपॉन पाई डी स्क्वायर दी होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पाई स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर है तो डी 4 हो जाएगा। सिमिलरली तो अभी इसको हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारा यहाँ वैल्यू आ जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 एफ एल वन क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, जो यहाँ पाई था यहाँ क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, इंटू जी आपका क्या होगा ग्रेविटी हो जाएगा, डी हो जाएगा डायमीटर, 2 2 4 हो गया, एक नीचे में है D1 वो हो गया D5। सिमिलरली हमारा ये तीनों पाइप का हमारा क्या निकल जाएगा, HF निकल जाएगा। और इस वैल्यू को आप लोग न्यूमेरिकल में सब्सटीट्यूट करके आप वैल्यू को लेके आ सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। आपको क्या याद रखना होगा, डार्सी विस्बैच इक्वेशन इस्तेमाल रखना होगा और उसमें सब्सटीट्यूट करना है और उसमें आपको वैल्यू को लेके आना है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पाइप्स इन पैरेलल। जब पैरेलल का बात आता है तो पैरेलल होता क्या, सबसे पहले ये जानेंगे, उसको भी हम लोग एक डायग्राम से देखने का कोशिश करेंगे पाइप्स इन पैरेलल होता क्या है। तो देखिएगा मैंने एक डायग्राम बनाया है पाइप्स इन पैरेलल, ये क्या होता है, यहां से एंट्री है, यहां से एग्जिट है। तो यहां से एंट्री है तो ये क्या होता है, पाइप क्या होता है, यहां पे सेपरेट होके यहां पे अटैच होता है, मींस टू पाइप्स रनिंग वन आफ्टर वन, एक दूसरे के साथ रन कर रहा है लेकिन ऊपर नीचे कर रहा है। तो एक क्यू ए हो गया, क्यू बी, क्यू ए क्या है डिस्चार्ज हो गया यहां से, डिस्चार्ज यहां फाइनल डिस्चार्ज यहां से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पैरेलल में हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन ए मेन पाइपलाइन डिवाइडेड इनटू टू और मोर पैरेलल पाइप्स, इट इज नोन एज पाइप्स इन पैरेलल। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर जब पाइपलाइन डिवाइड हो जाता है और एक दूसरे के साथ सामना सामनी आगे बढ़ते रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज थ्रू द ईच पाइप क्या होता है, क्यू, अगर हम मान के चलते हैं क्यू हमारा डिस्चार्ज है, तो क्यू वन प्लस क्यू टू दोनों का डिस्चार्ज को जोड़ के हम लोग फाइनल एच टू में जो आउटलेट होगा वहां पे हम लोग निकालेंगे, तो हमारा डिस्चार्ज निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आर सेम इन बोथ पाइपलाइन, वो क्या होता है, हमारा जो हेड लॉस होता है एच एफ होता है वो दोनों पाइपलाइन में सेम होता है। तो हम लोग यहां दोनों पाइपलाइन का निकालेंगे, एच एफ इज इक्वल टू एच एफ वन, यहां पर देख लीजिएगा इज इक्वल टू एफ टू। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, देख लीजिएगा डायग्राम में, Q आपका है क्या है डिस्चार्ज है, Q डिस्चार्ज है, नेक्स्ट है Q है आपका क्या है डिस्चार्ज है, A आपका एरिया है, D आपका क्या है डायमीटर ऑफ पाइप ए, और डी बी क्या है डायमीटर ऑफ पाइप बी, और यहाँ से एच टू क्या है आउटलेट है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हमारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आर सेम इन बोथ पाइप लाइन। तो हम लोग इसको हम यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ये इस्तेमाल करेंगे, डार्सी विस्बैच इक्वेशन। तो हम जानते हैं कि डार्सी विस्बैच इक्वेशन क्या होता है, तो एच एफ का क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपको याद होगा, तो टू एफ वन एल वन वी स्क्वायर अपॉन जी डी होता है, नहीं तो ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। और इसको क्या हुआ हमने फिर ऑन सिंप्लीफिकेशन
फर्दर सिंप्लीफाई करते गए और सिंप्लीफाई करते करते हम लोग क्या इस्तेमाल किया, लास्ट में आ गया हम लोग जब हम एफ को एफ फ्रिक्शन रेसिस्टेंस को सेम मानेंगे तो हमारा एफ भी कट जाएगा, जी भी कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा एल वन बचेगा, एल वन इंटू वी वन स्क्वायर अपॉन डी वन हो गया इज इक्वल टू एल टू वी टू स्क्वायर अपॉन डी टू हो गया। ये दोनों में जो डिस्चार्ज जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा फाइनल में क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इससे पैरेलल में हम क्या पढ़ते हैं कि ये आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम को आपको याद रखना है, और डायग्राम को याद रखने से प्लस आप इस पे न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं तो न्यूमेरिकल भी आपको आसानी तौर से बन जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा इस पाइप्स इन पैरेलल को और बनाने का कोशिश कीजिएगा न्यूमेरिकल को। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज लेट अस नो, लेट मी नो, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। अगर और आगे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको टॉपिक पढ़नी है, ऑलरेडी मैं सारा नोट्स का मैं पीडीएफ प्लस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ और प्लस अभी मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है कोई भी टॉपिक से तो आप बिना झिझक के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।